उत्तम शुगर्स देखिए बड़ी तेजी आई है, 15.5% तेजी के साथ में काम कर रहा है। सर इसमें मोस्टली कल से एक तेजी बनी हुई है इस स्टॉक के अंदर, और अपने पुराने हाईज के आसपास वापस से ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि एक अगर ये इन हाईज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है तो लगता है कि एक अच्छा बुल रन बना रहेगा स्टॉक में, और 400 के टारगेट इनिशिएट हो सकते हैं कुछ टाइम के। ठीक है वैभव जी, इंटरेस्टिंग है कि जिन दर्शक ने पूछा है वाला, तो इनकी खरीद थी 301 की, 301 की, और उसके बाद उन्होंने ओके 198 तक जाते हुए देखा है, तो उन्होंने 301 से 198 एक लेवल। दो सर दो ईयर अभी एकदम से ही चला है ये स्टॉक। जी, तो अभी ये जो तेजी है, और तेजी बड़ी एक साथ आ गई है, तो वो जितनी गिरावट तो फिर भी थोड़ा टाइम लिया था, तेजी तो एक झटके में आ गई है, तो वो ये पूछ रहा है कि क्या मैं यहाँ पे बना रहूं, निकल जाऊं, क्या करना चाहिए, 5-6 दिन में और गेन मिल सकता है क्या, वन मतलब। 198 में भी खरीदा है क्या सर इन्होंने? नहीं, 198 में खरीदा नहीं, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं, या निकले नहीं, या स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो कटा भी नहीं, तो वो है 301 पे था, तो उन्हीं के लेवल्स के आसपास ही आ गया, 5-7 ही रुपए ऊपर है, तो वो है। लेकिन इसके आगे का रास्ता कैसा दिखता है, यहाँ पे निकले या ऑल्दोमेगल सर सर्किट लग अभी गया। तो बाय, अगर मैं डेली चार्ट्स पे देखूं तो जस्ट आज ही बाय इनिशिएट हुआ है, चला ये कल भी था काफी अच्छा, बट बाय आज ही इनिशिएट हुआ है इसके अंदर। मेरे को लगता है कि बने रहना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, पहले भी 198 देख के आए हैं, मुझे लगता है कि रिस्क ले लेना चाहिए और बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस डीप ही रहेगा क्योंकि बड़े मूवमेंट है, तो मैं छोटा एसएल नहीं दे पाऊंगा, ये मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट 275 का क्लोजिंग बेसिस का एसएल रहेगा अब आपके लिए, यही मैं कर पाऊंगा बेस्ट आपके लिए, क्योंकि छोटे एसएल नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा बस ये देखना। इनफेक्ट वो भी मेरे को बहुत वो वाला, जिस तरीके के मूवमेंट दिखाए हैं इसने अपसाइड में, वैसे ही नीचे के भी अगर दिखा दिए एक सर्किट में, तो वो भी स्टॉप लॉस कट जाएगा, जबकि 198 तक वो हाँ वैसे ही। बिल्कुल, टाइम लेगा नहीं। हाँ इसमें एक चीज कर सकते हैं, अगर अपन क्लाइंट थोड़ा सा काफी टाइम से फंसा हुआ है तो अपन एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना 50% जो है वो निकाल दें, और स्टॉक अगर नीचे आने का दोबारा कोई नीचे मिला तो आप अपना आधा पैसा वापस री इन्वेस्ट कर लेंगे उस पर, मतलब आधे पैसे का मजा लीजिए और ऊपर चलने दीजिए। ठीक है, तो ये है राय उत्तम उत्तम शुगर पे।